Hello friends, welcome to Brain Bites. Today in this video we are going to discuss about balance sheet. So let's start the video without wasting any time. दोस्तों अभी तक हमारे आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज बैलेंस शीट फर्स्ट टॉपिक, और सेकंड टॉपिक हमारी है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं व्हाट इज बैलेंस शीट फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पे BS लिखा है। बैलेंस शीट को शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है BS। और बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। पहली बात कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है और एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपको बैलेंस शीट की डेफिनेशन में 100% डालना है, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ये बनाया जाता है बैलेंस शीट। वैसे तो बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, हर कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फीचर है इट इज़ एन स्टेटमेंट नॉट अकाउंट। दोस्तों अभी तक ने आपने अकाउंट में पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक अकाउंट, लेजर अकाउंट, हर बस अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, इसमें एक स्टेटमेंट है। पेपर में आप गलती से अकाउंट लिखकर मत आ जाना, नहीं तो टीचर गलती कर देगी। चलिए अपने दूसरे फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो इट कंटेन रियल एंड पर्सनल अकाउंट। अब दोस्तों क्वेश्चन उठता है रियल और पर्सनल अकाउंट क्या होता है। हमारे हिसाब से आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन आपके पढ़ाई के लिए मैं बता देता हूँ। रियल अकाउंट वो होता है जो किसी नाम या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है, जैसे राम अकाउंट, राम एंड सन्स अकाउंट, ये रियल अकाउंट में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट जो अकाउंट फिक्स असेट से रिलेटेड होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, जैसे मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। थर्ड, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पहले ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, जहाँ से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ फीचर की तरफ, इट कंटेन असेट एंड लाइबिलिटीज। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं, बैलेंस नहीं होता है, बस इसमें असेट होती है और लाइबिलिटी है। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी आती है और राइट हैंड साइड में असेट आती है। पेपर में दोनों को उल्टा करके मत आ जाएगा, नहीं तो टीचर नंबर काट देगा, क्योंकि इनको फिक्स जगह पे ही रहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट बनाने के दो मेथड होते हैं, फर्स्ट एक इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन ऑर्डर ऑफ प्रीमिनेंस। मैं आपको इन दोनों को फॉर्मेट के हिसाब से समझाता हूँ बैलेंस शीट के। दोस्तों चलिए हम लोग फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ओपन हो चुका है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैलेंस शीट है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी है और राइट हैंड साइड में असेट है। और दोस्तों ये आप इसको पेपर में उल्टा मत करके आ जाएगा, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप ये बैलेंस शीट को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा जाता है, जिसको ग्रुपिंग एंड मास्किंग बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बता दूँ क्या होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं असेट साइड में सबसे पहले
करंट असेट लिखे जाते हैं। करंट असेट वो असेट होते हैं जो जल्दी से पैसे में बदल जाते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेब्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब करंट असेट में आते हैं। उसके नीचे आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनके टाइम लगता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट मीन्स लोन गिवन टू राम, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे आ जाते हैं, अब सबसे नीचे आता है दोस्तों हमारा असेट आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं टेंजिबल असेट, उसके बाद आते हैं हमारे इनटेंजिबल असेट। दोस्तों इनको भी एक प्रॉपर सिक्वेंस में लिख के आइएगा, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लायबिलिटी की तरफ। लायबिलिटी में सबसे पहले उसके असेट के सिमिलर ही यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिखी जाती है, ऐसी लायबिलिटी जो जल्दी पेमेंट हो जाए, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, इंडिकेटर्स, ये सब करंट लायबिलिटी में आती हैं। अब उसके नीचे आते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में बैंक लोन आता है, लोन फ्रॉम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आता है, ये सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आती है। और उसके बाद आता है कैपिटल। दोस्तों ये कैपिटल यहाँ पे है, सबसे पहले उस कैपिटल में हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तब हमें कैलकुलेट होता है। उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दिया था उसको हम लोग माइनस करते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स को घटाते हैं, उसमें लाइफ इंश्योरेंस, बस लाइफ इंश्योरेंस को घटाते हैं और कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम को नहीं माइनस करते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक टाइप का ड्रॉइंग होता है फर्म के लिए। दोस्तों अगर आपने इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लिया है, तो मान लीजिए आपके लिए ये बैलेंस शीट बनाना हलवा काम हो गया, एकदम आसान काम हो जाएगा बैलेंस शीट अगर आपने बनाना सीख गया। दोस्तों मैंने जो आपको फॉर्मेट दिखाया है, ये इन ऑर्डर ऑफ प्रीमिनेंस था, यहाँ पे जो देख सकते हैं मैंने बताया था सेकंड वाले ये इन ऑर्डर ऑफ प्रीमिनेंस था। यही अगर बैलेंस शीट उल्टा रहता है, मीन्स कैपिटल यहाँ पे ऊपर दिया रहता है और फिक्स असेट ऊपर दिए होते हैं, करंट असेट नीचे दिया रहता है, करंट लाइबिलिटी भी नीचे दिया रहता है दोस्तों, तो ये जो है और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो जाता है। बस इतना ही है बैलेंस शीट में, और कुछ भी नहीं है। अगर बैलेंस शीट का आपने फॉर्मेट याद कर लिया दोस्तों, तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।